सभी देहरादून वासियों के लिए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ट्रैफिक के बारे में लेके आया हूँ कि जैसे नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उससे सभी को परेशानियाँ होती हैं और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने में भी दिक्कत होती है और जाम भी लगता है, तो इससे संबंधित जो जानकारी है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ और इस पूरी जानकारी को आप बड़े ध्यान से देखें, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और ट्रैफिक को चलाने में हम लोगों को भी काफ़ी इससे मदद मिलेगी। तो ट्रैफिक की जो नई जानकारी है वो ये है कि जिन लोगों के खाली प्लॉट रोड साइड पे हैं वो उसमें पार्किंग अपनी तरफ से बना सकते हैं। पहले अब पार्किंग स्थल बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, अब वो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देहरादून पुलिस और प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से इसमें छूट दी गई है कि जिनके अपने निजी प्लॉट हैं वो उसमें पार्किंग बना सकते हैं। उसमें जो पार्किंग का शुल्क होगा वो भी अपनी तरफ से वो निर्धारित कर सकते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर या कोई सी भी गाड़ी हो उसका जो भी शुल्क होगा वो अपनी तरफ से निर्धारित कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी नहीं होंगी और जिन लोगों को गाड़ी पार्क करने के लिए समस्या होती है, जिनको पार्क करने की जगह नहीं मिलती है, वो वहाँ जाके पार्क कर सकते हैं। और इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ट्रैफिक जो चलाने में दिक्कत होती है, जो नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो रोड पर वाहन खड़े होते हैं, वो रोड पर खड़े न होकर के उस पार्किंग स्थल में खड़े होंगे, तो ट्रैफिक को चलाने में देहरादून ट्रैफिक पुलिस को उससे काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, ये जो पार्किंग स्थल जो निजी अपने प्लॉट में बनाएंगे तो उसकी सूचना आप, मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा उस पर देंगे, तो उससे उससे पार्किंग से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी उससे मिल जाएगी और उसमें आपको जो भी मदद ट्रैफिक पुलिस की ओर से चाहिए होगी आप उस पर कॉल करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस तुरंत आपके पास या स्थानीय पुलिस जो भी उस थाने की पुलिस होगी वो आपके पास आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। आपको करना सिर्फ इतना है कि जैसे आपने पार्किंग स्थल खोला है उसका शुल्क निर्धारित किया है, वहाँ पे आपको पार्किंग का बोर्ड लगाना पड़ेगा कि यहाँ आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं और वहाँ पे रेट आप लिख दीजिए कि टू व्हीलर का इतना है, फोर व्हीलर का इतना है। वो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो आपका खाली प्ला हुआ प्लॉट है कि लोगों को डर रहता है कि कोई हमारे प्लॉट पर अवैध कब्जा न कर ले, तो इससे ये होगा कि जब वहाँ पार्किंग रहेगी, आवाजाही रहेगी, वहाँ पे गार्ड रहेगा तो आपका प्लॉट भी सुरक्षित रहेगा और जो खाली प्लॉट है जो जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा उससे आपको अर्निंग भी होगी। तो जो जो जिन लोगों का भी अपना निजी प्लॉट रोड के किनारे हो वो उसको पार्किंग स्थल बनाएँ और देहरादून ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक के संचालन में उससे जो मदद मिलेगी वो मदद करें और देहरादून ट्रैफिक पुलिस आपकी उस पार्किंग स्थल से संबंधित जो भी आपको मदद चाहिएगी वो आपकी पूरी मदद करेगी। थैंक यू।